क्वींस, वेलकम फ्लेवर टेलर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब मस्त होंगे और सब व्यस्त होंगे। बिल्कुल आजकल तो टाइम ही है बिल्कुल व्यस्त होने का ना। दिवाली की सफाइयाँ चल रही होंगी फटाफट। तो चलिए दिवाली की सफाई के साथ साथ तो कुछ डिशेस भी सीखनी पड़ेंगी ना। गेस्ट आएंगे तो हमारा झंडा ऊँचा रहना चाहिए। और देखिए मेरा तो काम कर करके मेहंदी देखिए ज़रा कैसी हल्की हो रही है बिल्कुल। और पता है मैं ना जब अनमेरिड थी तो मैं मेहंदी नहीं लगवाती थी जल्दी, क्योंकि ना मैंने कहा काम करना मुझे पसंद नहीं, मेहंदी लगे तो फिर लगता कोई काम ना करवाए 3-4 दिन तक। और लेकिन वो तो मायका था ना, तो चल जाती थी सब चीज़ें। अभी तो क्या ससुराल में तो करना ही है। खैर करना क्या है, हाउस हेल्पर है नहीं है इसलिए और भी काम है ज़्यादा, तो मेहंदी तो हल्की होनी ही थी। चलिए खैर कोई बात नहीं, तो बनाया है मीठा फटाफट बनाइए। बिल्कुल यूनिक रेसिपी है, गारंटेड किसी ने नहीं बनाया होगा। और यदि आप उसके बचे हुए से बनाते हैं ना, मलाई के बचे हुए खोए से, तो बनाइएगा और जब लोग पूछेंगे ना तो तारीफ़ करे बिना कोई रहेगा नहीं। बहुत अच्छा मीठा बना था, सच बता रही हूँ, ज़रूर से ट्राई कर लीजिए। जल्दी से जाइए वॉच करिए वीडियो, लेकिन उसके पहले एक काम कर लीजिए, ज़रा मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। पसंद आते हैं तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आते हैं तो डिसलाइक कर दीजिए। तो चलिए फटाफट वॉच करिए। तो चलिए उसके लिए लौकी चाहिए हमको, लौकी लेंगे पतली, मोटी लौकी नहीं लेनी है। और पतली लौकी को लेके पहले लौकी को छील लेंगे, और छीलने के बाद देखिए बिल्कुल बस कैसे काटना है। आपको जितनी भी लंबान चाहिए हो ना अपने मीठे की, उस हिसाब से टुकड़े काटिएगा। ये देखिए मैंने तो इतने बड़े टुकड़े काटे हैं, क्योंकि ये जो मीठा बनाने जा रहे हैं इसको खड़ा करके ऐसे सर्व होगा, ये प्लेट में इसको लिटा के नहीं खड़ा करके सर्व करेंगे। तो नीचे थोड़ी सी लौकी आप लगे रहने दीजिएगा, एक साइड से होल करेंगे और दूसरी साइड मतलब बिल्कुल आर पार होल नहीं करेंगे, बीच में अच्छा खासा गैप कर लेंगे। नीचे थोड़ी सी लेयर लौकी की छोड़ देंगे, क्योंकि इसके अंदर चीज़ को फिल करना है, तो वो उसके अंदर बिल्कुल एक बॉक्स नुमा जैसे हो जाएगा ना, उस तरह से करना है। पूरा आर पार चक्कू से उसको नहीं करना है, थोड़ा सा बिल्कुल पतली सी लेयर बाद में छोड़ दीजिएगा नीचे की। तो ये देखिए जैसे मैंने पीछे बैक में थोड़ा सा छोड़ा है ना, बस ऐसे ही आप बिल्कुल पतली सी लेयर एक छोड़ दीजिएगा बैक में। फिर इन सबको उल्टा खड़ा करके कर लेंगे स्टीम, और जो अंदर का मटेरियल निकला है ना लौकी का, उसको भी स्टीम कर लेंगे। यदि आपके पास स्टीमर नहीं है तो अपना एक भगोने में पानी चढ़ा के ऊपर जाली रख के वैसे आप स्टीम कर लीजिए। और ये देखिए हो गया है अपना अच्छा सा स्टीम। साइड बाय साइड मेरे और भी चीज़ें चलती जा रही हैं कुकिंग, लेकिन रेसिपी आपको सिर्फ एक चीज़ की बता रही हूँ। तो चलिए साथ में ले लिया है मैंने, इस पे देखिए थोड़ा सा बटर डालिएगा या फिर देसी घी डालिएगा, और रिफाइंड मत डालिएगा। तो मैंने देसी घी डाल लिया है। अब इसमें अपनी लौकी को रोस्ट कर लेंगे, थोड़ा लाल होने तक इसको उलट पुलट के बिल्कुल सेक लेंगे अच्छी तरह। तो ये देखिए जैसे लाल हो रही है ना, तो बस ऐसे ही लाल कर लेंगे इनको हम, तो ये खाने में बहुत अच्छा लगेगा। और जो स्टीम करने से थोड़ा सा लौकी में पानी का थोड़ा सा टेक्सचर आ गया है ना, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, पानी का टेक्सचर भी ख़त्म हो जाएगा, तो अपना मीठा बहुत अच्छा बनेगा। तो इस प्रोसीजर को ज़रूर से करना है। और बिल्कुल थोड़ा सा ही देसी घी लगेगा, आप बस पैन में हल्का सा देसी घी लगा दीजिएगा, बस उतने में ही आपका काम हो जाएगा। तो ये देखिए ये सब चीज़ों को आराम से स्लो टू मीडियम गैस पे ही करिएगा, हाई फ्लेम पे मत करिएगा। अब उसी पैन में मैंने थोड़ी सी मेवा ले ली है, जो भी मेवा आप लेना चाहें वो ले लीजिएगा, उनको थोड़ा रोस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेवा भी अपनी क्रंचनेस देगी उस चीज़ में, अपने मीठे में तो बहुत अच्छी लगेगी। और साथ में ही उस मेवा को थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद दरबरा पीस लेंगे। आप चाहें तो मिक्सी में बिल्कुल एकदम, क्योंकि थोड़ा सा मुंह में आता हुआ मेवा अच्छा लगता है। यदि आपको मुंह में आता हुआ मेवा नहीं पसंद है तो आप बिल्कुल पाउडर फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो बस देखिए मेवा मैंने कूट ली है, साथ में लिया है मैंने नारियल, और ली है इलायची, और लगेगी साथ में थोड़ी सी अपनी को दालचीनी। दालचीनी ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये देखिए वो लौकी का जो बीज का खाली किया था ना लौकी का, वो पार्ट भी इसी में डाल देंगे। और साथ में ही डालेंगे हम खोआ।
तो मैंने यहाँ पे जो मलाई से खोआ निकलता है ना अपना, जब मलाई का घी बनाते हैं तो जो उसका खोआ निकलता है वो यूज़ किया है। और यकीन मानिए, यदि आपके यहाँ भी मलाई से घी निकलता है ना और जो उसका खोआ बचता है वो आप इस मिठाई में बनाइए, बिल्कुल पकड़ में ही नहीं आएगा कि आपने वो खोआ यूज़ किया है, क्योंकि इसमें इलायची मिल रही है, कोको नारियल का बुरादा मिल रहा है अपना, और थोड़ी सी दालचीनी जा रही है, मेवा जा रहा है, और बस फिर लौकी के अंदर ऐसे देखिए इसको फिल कर लीजिएगा और बहुत अच्छे से दबा दबा के भर दीजिएगा ताकि मटेरियल काफ़ी आए खाने में। तो देखा है ना, बिल्कुल इजी सी रेसिपी और कितनी जल्दी बन जाती है। अब इन लौकी को क्या करेंगे, जो बैक साइड था ना नीचे जहां हमने लौकी की पतली सी लेयर छोड़ी थी, अब उस साइड से इसको पैन में रख के थोड़ी देर और स्टीम कर लेंगे। थोड़ी देर मतलब स्टीम नहीं कर लेंगे, वही घी वाला जो पैन है ना अपना, उसी में खड़ा करके इसको थोड़ी देर और सेक लेंगे। तो बस देखिए सिक के कितना बढ़िया अपना तैयार हो गया मीठा। तो देखा आपने कितनी बढ़िया है ना, यूनिक रेसिपी है बिल्कुल एकदम। देखिए किसी भी स्टाइल से कोई भी चीज़ बना लीजिए, थोड़ा सा ना अपने मतलब देखने के लिए आपको मिल गया, अब आप उसको जैसे भी पीस करना चाहें, लौकी के जो भी करना चाहें। बस सिखाने का मोटिव ये था कि इतनी इजी वे में भी लौकी का मीठा बन सकता है, नहीं तो चाशनी बनाओ, ये करो वो करो, बहुत झंझट होते हैं ना। और इसमें हमने जो चीनी मिलाई है वो भी पीस ली थी थोड़ी सी बिल्कुल बस, और थोड़ी सी ही चीनी मिलाने से अपना काम हो गया एकदम बढ़िया। और खोआ भी नहीं मंगाना पड़ा मुझे, तो मलाई का घी बना लिया था, घी का घी भी बन गया। एक त्यौहार पे लगता है ना कि मलाई का डब्बा मैंने एक बना रखा है, जब वो फुल हो जाता है ना तो बस घी निकाल लेते हैं, तो वो भी भर गया था, तो लग रहा था दिवाली। मतलब मैं फ्रीज़र में मलाई रखती हूँ, आप फ्रीज़र में मलाई रखिए ना, आपकी एक महीने क्या डेढ़ महीने भी आप रखे रहेंगे, बिल्कुल भी मलाई ख़राब नहीं होगी, एकदम फ्रेश मलाई रहेगी। फ्रीज़र में रखिएगा उसको लेकिन, और डब्बा बंद करके रखिएगा, खुला नहीं, खुला रखेंगे तो उसमें बर्फ़ जम जाएगी। तो फ्रीज़र में रखती हूँ मैं मलाई, तो मैंने कहा त्यौहार आ रहा था तो पहले ही डब्बे को खाली कर दे, खोआ बना ले, तो बहुत सी चीज़ों में काम आ जाएगा। और बहुत ईजी वे में बन भी गया मीठा, और सब ने करवा चौथ में बहुत काम पड़ा था। तो चलिए एक डिश तो मैंने शेयर कर दी है, अब एक करेंगे बाद में। तो चलिए वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा, इसी के साथ करते हैं बाय बाय, सेफ, टेक केयर, वी लव यू, बनाइएगा ज़रूर।